अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस में तैनात कांस्टेबल ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर खुदकुशी करते हुए अपनी जान दे दी है। राहगीरों की सूचना पर जीआरपी और इलाका पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस घटना की जांच पड़ताल करने में भी जुटी है। आपको बता दें कि मृतक सिपाही शिवम बागपत का रहने वाला था, जो 2021 में ही भर्ती हुआ था। जालौन से खबर है, जहां दुर्घटना में सेल्समैन की मौत के मामले को लेकर मृतक के आक्रोशित परिजनों और महिलाओं ने कोतवाली परिसर में हंगामा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जहां मौके पर कोतवाली पहुंचे क्षेत्राधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने मामले को समझा बुझाकर बमुश्किल शांत कराया। क्या नाम है आपका? कीर्ति पांडे। आज आप कालकी कोतवाली में आई है, क्या मामला है, किस लिए आई है? सब लोग हमारे आदमी को न्याय चाहिए, मेरा आदमी को कोई मार डाला है और हम पे कुछ नहीं है। रोज कमाते थे, शाम को ले आते थे, चार बच्चे हैं, हम कैसे पाले, कहाँ से खिलाए, क्या करे, घर भी टूटा हुआ है। क्या नाम था आपके आदमी का? प्रसन्न पांडे। सहारनपुर से खबर है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम के लिए जनपदीय पुलिस लगातार गश्त के साथ सघन चेकिंग कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने दुमझेड़ा पुल के पास चेकिंग की, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को संदिग्ध लगने पर रुकने का इशारा किया, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार युवक ने अचानक से पुलिस टीम पर फायर झोंक दी और जंगल की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे। वही पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज शाम को लगभग 7:30 बजे जब चिलकाना की टीम भ्रमणशील थी, शाम को अपने क्षेत्र में घूम रही थी, तभी चिलकाना की टीम को मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि दुमझेड़ा पुल के पास जो इनामी अभियुक्त है चिलकाना थाने का, वो वहाँ पर अपने साथी के साथ आने वाला है। इसी सूचना पे काम करते करते चिलकाना की जो टीम है वो एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा करती है, जिसमें उसको अंदेशा होता है कि वही नामी अभियुक्त बैठा है। जैसे ही रोकने का इशारा होता है, वहाँ से अभियुक्त द्वारा फायरिंग की जाती है और जवाबी कार्रवाई में चिलकाना टीम द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जो अभियुक्त है जिसका नाम मोनीस उर्फ लालू, रहने वाला मोहल्ला मजहर हसन का है, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम है। एक पशु चोर है और इससे पहले भी पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये इन्वॉल्व रह चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफी राहत महसूस हुई। कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफी मतलब ठीक ठाक रहा, अब उससे हमको बहुत ज्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।